नमस्कार, बीसीएन के सारथी सड़क सुरक्षा इस कार्यक्रम में मैं भाग्यश्री आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर एक बार सारथी भाइयों के सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। हमारे साथ हैं मार्गदर्शक प्रहलाद सर जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आप सारथी से क्या चाहते हैं जिससे उनके जीवन का रहन सहन का व अपने परिवार को अच्छा नागरिक बना सके? सारथी भाइयों को चाहिए कि वो माल लोड करते वक्त देखें कि वो माल उनकी गाड़ी के लिए गाड़ी में बराबर बैठेगा नहीं बैठेगा, वो माल उनके लिए, और कोई सरकारी नियम को न तोड़ने वाला हो, और जो टाइम उनको दिया जाता है उस टाइम में वो गाड़ी आराम से पहुंचा सकेंगे नहीं, और उसकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि माल मैंने लोड किया है तो मैं उसको अपना सामान समझकर और जिस भी क्लाइंट का माल है उसके वहां सेफ और अच्छी तरीके से पहुंचा सकूं, और दूसरा उसको जो भी रास्ते में पुलिस वाले मिलते हैं साहब मिलते हैं उनको अच्छे से उनसे जय हिंद करके या जो भी भाषा में उनको इज्जत देके बोलना चाहिए जिससे कि वो उसको सम्मान दे। आप सारथी की संस्था बनाकर उन्हें क्या क्या फायदे देना व दिलाना चाहते हो? सारथी की संस्था बनाने से एक ही फायदा है कि उनकी बात जल्दी से सुनी जाएंगी, और उसमें एक दूसरे के लिए वो अगर हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे को वो अगर सहयोग देते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बनते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अगर हम उनके एक साथी दूसरे साथी के लिए खूब ध्यान से काम करेगा, कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ अच्छे रेस्टरूम मिलता है, कहाँ अच्छा सब मिलता है, कौन सी कंपनियां अच्छा पे कर देती हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़कर जो इस शॉर्टेज का जमाना है उसमें सारथी भाई अपने लिए रास्ता खुद ढूंढ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी संस्था किन के द्वारा सारथी भाइयों का क्या क्या फायदे व क्या कुछ कर सकती है? हम सारथी भाइयों के लिए उनको अच्छा इंश्योरेंस मिले, और जैसे मैंने नक्की किया कि जो सारथी भाई मेरे से जुड़ेंगे या मेरी संस्था से जुड़ेंगे उनके किसी हादसे में के लिए मैंने नक्की किया है, उनके बच्चों को अगर 65% से ज्यादा मार्क्स लाएंगे उसके लिए मैंने उनके लिए कुछ किया है, फिर जैसे उनको अगर उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए तो, और अगर मान लो उनके सरकारी कोई बेनिफिट आते हैं जिसकी जानकारी लेके उनको वो बेनिफिट, जैसे अभी आयुष्मान भारत में कार्ड चला है जिससे कि अगर कल को उनकी कोई बीमारी आती है तो उसको फ्री इलाज मिलता है, इस तरह के बहुत सारे काम करने लायक हैं जो अभी कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे। आपकी संस्था गोपाल परिवार के सारथी भाइयों को क्या क्या दिखाकर अच्छा भारतीय होने का व आम नागरिक या उनको कोई विशेष दर्जा मिले और उनके बारे में आपकी संस्था के विचार? वो तो मैंने जैसे पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि सारथी को फौजी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि फौजी की जरूरत तो जब हमारे से कोई दूसरा कंट्री हमारे से झगड़ा करता है तब जरूरत पड़ती है, और हमारे सारथी भाइयों की तो हमको हर वक्त जरूरत पड़ती है क्योंकि वो हमारा सामान इधर से उधर जिससे कि सामान मिलता रहे और उसकी कीमत भी न बढ़ने पाए, क्योंकि अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा तो एक जगह कम प्राइस में वो बेकार जाएगा और दूसरी जगह में उसका प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें, और सारथी भाई के लिए हमारा ये मानना है कि सरकार ने जो अभी एक सरकार को झुकना पड़ा था कि उन्होंने कानून बनाया था, जो पहले भी वो कानून था, पहले वो थोड़े छोटे रूप में था, अभी बड़े रूप में जो कानून बनाया और जिसमें उनको सरकार को बैक होना पड़े, तो ऐसा नियम न करके पहले सारथी भाइयों के, जो सारथी भाई 15-20-25-30 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं उनकी एक गठन करना चाहिए, उनमें 10-15-20 आदमी को बुला के पूछना चाहिए कि भाई आप सड़क सुरक्षा पे कैसे अच्छे से काम करवा सकते हैं कर सकते हैं, वो सरकार को साथ लेकर उनको आगे चलना चाहिए। क्या आपने गोपाल परिवार की संस्था द्वारा कोई ऐसा प्रावधान है जिससे उसकी प्रगति हो सके? हाँ, उसमें जैसे मैंने अभी पिछले एपिसोड में भी कहा था कि मैंने कुछ ट्रक सारथी भाइयों को गाड़ी, मेरी जो गाड़ी 5-4-6 साल पुरानी, वो उनको रीजनेबल कीमत में और बैंक इंटरेस्ट पे उनको देकर उनको मोटर मालिक बनाने की कोशिश की थी, वो स्कीम दोबारा भी चालू की जा सकती है, और मेरी स्कीम को देख के दूसरों ने ये स्कीम चालू की थी उनको बैक लेनी पड़ी, क्योंकि सारथी भाइयों को विश्वास होना चाहिए कि जो उनके साथ कर रहा है, क्योंकि आज के इस युग में पैसे के युग में
हर आदमी लालची हो गया है, वो दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। हमारी संस्था इस मामले में बहुत सारथी भाइयों के साथ है, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि मेरी संस्था को सारथी भाई आगे लाए हैं। इस कार्यक्रम में यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर एक बार सारथी भाइयों के सवाल लेकर हम आपके सामने समक्ष होंगे। देखते रहिए NBCN News। नमस्कार।